अगला प्रश्न स्वामी जी राकेश का है। 1 साल से उनके फेफड़ों में दिक्कत है जिससे सांस लेने में उन्हें बहुत परेशानी हो रही है, इनके लिए उपाय बताएं। तो देखो, फेफड़े के लिए एक तो अनुलोम विलोम जो बेटियां कर रही हैं, वैसे जो शीर्षासन सर्वांगासन करते हैं उनको तो कभी फेफड़े की दिक्कत होती नहीं जो यहाँ पर बेटियाँ कर रही हैं। ये मैंने बताया था भुजंगासन और मकरासन, इसके साथ साथ गोमुखासन और जो है खाली पेट स्वासारी खाने के बाद ब्रोंकोप, इसके ऊपर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किए। जैसे अभी लिवामृत बताया हमने, लिवर फेल हुआ, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, एनिमल ट्रायल में 14 दिन में ठीक कर दिया था। ऐसे ही जिनका किसी भी पोल्यूशन के कारण से, अब यहाँ तो देखो ये तो थोड़ी तैयारी के लिए हमको 1-2 मशीनें यहाँ पर लगानी पड़ी हैं, नहीं तो पूरा कितना सुंदर वातावरण है, यहाँ कोई पोल्यूशन नहीं। सामने देखो गुरुकुल बन रहा है, ये राइट साइड में बना हुआ गुरुकुल है, ये पूरे पर्ण कुटीर बन गई हैं, पीछे पूरी भारत की सनातन संस्कृति का उद्घोष, चारों तरफ एक दाई तरफ जो है यज्ञशाला में 4 वेदों का मंत्र घोष होगा और उसके साथ 4 वेदों की ऋचाओं के साथ चतुर्वेद पारायण महायज्ञ होगा और चतुर्वेद होम के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं कह रहा था शहरों में बहुत प्रदूषण है और उस प्रदूषण का असर सबसे ज़्यादा पड़ता हमारे फेफड़ों पर, और फेफड़े गड़बड़ हो जाए तो चाहे वो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से हुए, पराली आदि जलाने से हुए हों, चाहे वो किसी भी बीड़ी सिगरेट से हुए हों, हमने ठीक कर दिया। खाली पेट स्वासारी खाने के बाद ब्रोंकोम और थोड़े दिन उनको खजूर, कल्प खजूर, अनार, पपीता यही खिलाते हैं, स्वासारी का या दिव्य पेय का पानी पिलाते, घी तेल और सारी चीज़ें बंद कर देते, ठंडा खट्टा मीठा और चिकनाई, और फिर प्राणायाम कराते हैं जो आसन के साथ कर सकते तो गोमुखासन आदि में, नहीं तो ऐसे ही सिंपल प्राणायाम करा देते हैं, भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम, और फेफड़े एकदम टनाटन। 90% जिनके फेफड़े खड़बड़ हो गए तो उनको हमने ठीक किया, 90% जिनके लीवर किडनी फेल हो गए तो उनको ठीक किया, लिवोग्रिड से, रिनोग्रिड से। ये है बड़ा अद्भुत मामला। अगला कोई प्रश्न बचा हो तो ले लो स्वामी जी। अगला सवाल रमेश का है, अभी 18 साल के हुए हैं और बाल सफ़ेद हो रहे हैं उनके, अब ये बालों को उनका काला करने का उपाय बताइए और बाल सफ़ेद क्यों हो रहे इतनी कम उम्र में। अब देखो हमारी इन बेटियों के कितने काले बाल हैं, ये शशि तो अब जो है बुजुर्ग हो गई है इसलिए इसके हो गए, बाकी सब बेटियों के बाल काले, हमारे उधर ब्रह्मचारियों के मस्त मलंगा है, पूरे पहलवान हैं सबके बाल। क्यों? एक तो शीर्षासन करते हैं जैसे बेटियां कर रही हैं, आप देख रहे हो लगातार लगी हुई है, एक केशकांति एडवांस प्रयोग कर लेते हैं, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। हमने जिनके पूरे जो है कबड्डी के मैदान तैयार हो गए थे, पूरी खेती उजड़ गई थी, उन सबके भी बाल ठीक कर दिए इससे। केशकांति एडवांस लगाया, केशकांति शैम्पू बड़े ज़बरदस्त है, दांतों के लिए दंतकांति, केशों के लिए केशकांति, डेंटल केयर, हेयर केयर, इससे बेस्ट हो ही नहीं सकता। फिर बाल उड़ जाते हैं तो शीर्षासन सर्वांगासन या अनुलोम विलोम करें और आंवले का सेवन करें, आंवला एलोवेरा किलो 3 पिला करके, मैंने जिनकी 10-12 साल की उम्र में करीब 80-90 के तो 99% बाल सफ़ेद हो चुके थे, मैंने उसका लाइव एग्जाम्पल दिया हुआ है, निरामय में योग्राम में था मैं उस समय। तो ये आंवला एलोवेरा गिलोय का जूस भी है, बाकी साग सब्जियाँ खाएं और खुश रहें। और हाँ, जो पहले कफ कोल्ड के लिए भी बता देता हूँ, और ये जो नज़ला ना बालों पर उतर आता है, कफ बढ़ जाता है, उसका असर से बाल सफ़ेद होते हैं, तो उसके लिए ज्योतिषमति का या बादाम रोगन का या अणुतेल का नशे भी क्या करें, अपने सरसों का तेल ही जिंदाबाद वही डालो या गाय का घी डालो, उससे बाल एकदम ठीक हो जाते हैं, नज़ला भी दूर हो जाता है और नज़ला का असर बालों पर भी नहीं होता। कपाल भाती अनुलोम विलोम तो करना पड़ेगा स्वामी जी। अब हरीश अपनी पत्नी के लिए पूछ रहे हैं, उनकी पत्नी को गले में दर्द रहता है, कुछ भी निगलने में परेशानी होती है, तो क्या उपाय करें कि ये जो गले में दर्द रहता है वो परेशानी दूर हो जाए। चलो हरीश जी की पत्नी का गले का दर्द भी ठीक करते बैठो पहलवानों, अब कपाल भाती करो, अनुलोम विलोम करो, एक बार इनका भी अभिनंदन कर दो भाई, लगातार लगे हुए पहले कुश्ती की, फिर सूर्य नमस्कार, दर्द बैठक, ऐसे 1 घंटा भी जो लगा लेंगे ना सब अभ्यास कर लेंगे तो फिर एकदम मस्त रहेंगे। अब गले की गड़बड़ी है तो क्या दूर करें, कैसे दूर करें, तो एलोवेरा 200 ग्राम, उसमें 20-1 पत्ते अमरूद के डाल दें, उसमें 5-10 ग्राम कच्ची हल्दी डाल दें और इसको क्रश करके फिर इसको छान लें और इसको फिर
इतना अच्छा सा गर्म, तेज गर्म सा, उसमें थोड़ा सेंधन में डाल के उसके गरारे कर लो, करा एकदम ठीक। अचानक पता नहीं क्या हुआ, योगाभ्यास करते समय या जो भी कुछ हुआ होगा, गले में थोड़ी खराशी होगी। तो मैंने उस समय एक दो तीन बार आपने देखा खांसना पड़ रहा था, फिर मैंने ये कंठामृत पास में रहती इसको चूसा एकदम ठीक। ये कंठामृत लवंगादि खदरादि बटी, वैसे भी मुलैठी, काली मिर्च मिश्री और लौंग, इसको मैं चूसने के लिए बोलता हूँ, वो भी उसके लिए बहुत अच्छा होता है। और श्वासारी और ब्रोंकोम, यदि क्रोनिक खांसी है तो उससे पूरी ठीक हो जाती है। और खजूर, कल खजूर, अनार, पपीता, बस यही देते, थोड़ा बहुत चना खिला देते, बहुत ही ज़्यादा होता, धीरे धीरे चना, और पूरा कफ, कोल्ड, नजला, खांसी सब ठीक, गला एकदम फर्स्ट क्लास। वैसे भी त्रिकुटा, शीतोपलादी, श्वासारी, ये भी शहद से चाट लें, या हल्दी, अदरक, तुलसी, उनका रस निकाल के थोड़ा शहद मिला के चाटो, से भी गला एकदम फर्स्ट क्लास हो जाता है मेरी भाई। और गले के दर्द होने में आप स्वामी जी एक डिस्क्लेमर देना जरूरी है कि गले का दर्द कभी गला दबा करके ठीक नहीं किया जाएगा, उससे बचना है जी। अब स्वामी जी कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। कुछ अच्छा खाने पीने का नजर आ जाए स्वामी जी तो उससे भी बहुत खुशी मिलती है, पेट भी खुश होता है, दिल दिमाग भी खुश होता है, तो आप जरा तैयारी करें उसकी। स्वामी जी तो आज क्या बन रहा है, पाक शास्त्र में क्या है? तो देखो, ओहो हो, बन क्या रहा? देखो, एक तो ऐसे आम अकेला भी खाएं तो अच्छा लगता है और इससे सेहत अच्छी रहती है, तो आपको थोड़ा वेट बढ़ाने की ज़रूरत है। आम खाओ, वेट खाओ, दूध पियो, वेट बढ़ाओ, आप बढ़ाओ। और ये तो मैंने पहले दिन खाया ना, तो इतना मीठा है, कहना ही क्या इसका। तो और ये सारे फल एक साथ मिल जाए, तुमने बहुत मेहनत कर ली बेटा, ये खाओ थोड़ा। हाँ, और इसको पड़ोसी को भी, संतरा, संगों के संग, संतों के संग तरे, संतरा। तो ये ऐसे ये सारे फ्रूट्स डालो, और डाल करके इसमें, वैसे देखो हम तो बिना मसाला वाले हैं तो खा लो, इसमें पूछने की जरूरत नहीं है। और स्ट्रॉबेरी मैंने सुना बच्चों को बड़ी पसंद है, अब तो बड़ी हो गई है लक्ष्मी, खा रहे तुम भी। और ये इसमें फिर अब मीनाक्षी जी बोलेंगी थोड़ा और टेस्टी बना दो स्वामी जी, तो हमने पतंजलि चाट मसाला बना रखा है, एकदम एक हर्बल मसाला है पूरा, तो थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालना, बहुत मामूली सा ऐसे डाला, और डाला और फिर इसको खा लिया। ए बेटी इधर आओ, खाओ, आजा आजा। तो ये चाट, ये थोड़ा सा डालना चाट मसाला, नहीं तो थोड़ा सा सेंधा नमक, और ऐसे पहले योगाभ्यास करना और फिर अपना ये डाइट लेना और फिर प्रसन्न रहना। और मैंने कहा जिनको सन्यासी बनना हो तो हमारे पास में आ जाना, 8954555999, हमने नंबर भी बता दिया, एड्रेस भी बता दिया है। और ऐसे जो रोज योग करेंगे, सात्विक आहार, सात्विक विचार के साथ जिएंगे, फिर उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।